नमस्कार, जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में लिए गए निर्णयों के अनुसार कुछ सेवाओं के जीएसटी रेट में भी 18 जुलाई 2022 से प्रभावी हो इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में भी जीएसटी के रेट में चेंजेस किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट का जो मेन सीरियल नंबर 3 है उसका यह क्लॉज 3, इसमें जो सर्विसेज हैं जिन पर पहले 6% सीजीएसटी प्लस 6% एसजीएसटी अर्थात 12% जीएसटी लगता था उसको ओमिट कर दिया गया है। यह सर्विसेज कौन सी थी तो कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एज डिफाइंड इन क्लोज 119 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 सप्लाइड टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और अ लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीशन फिटिंग आउट रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन और ऑल्टरेशन। अर्थात ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को दी गई हो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन और एंटीक्विटी स्पेसिफाइड अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट उनके लिए उपयोग में ली हो या कैनाल डैम और अदर इरीगेशन वर्क्स उनके कंस्ट्रक्शन इरेक्शन आदि के उपयोग में ली हो या पाइपलाइन कंड्यूट और प्लांट फॉर वाटर सप्लाई वाटर ट्रीटमेंट और सीवरेज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल इनके लिए कंस्ट्रक्शन इरेक्शन इत्यादि करने में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हुई हो तो उस पर यह कंसेशनल रेट था 12% का। इस एंट्री को ओमिट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मेन सीरियल नंबर 3 का यह क्लोज 4 यह कंसेशनल रेट 12% प्रोवाइड करता था जिसमें यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस गवर्नमेंट को या किसी अन्य को भी दी हो यह निम्नलिखित पर्पस के लिए जिनमें है रोड ब्रिज टनल और टर्मिनल फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन सिविल स्ट्रक्चर और अदर ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू स्कीम अंडर जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और राजीव आवास योजना सिविल स्ट्रक्चर और अदर ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू इन सीटू रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्लम यूजिंग लैंड एज अ रिसोर्स अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल सिविल स्ट्रक्चर और अदर ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ये जो अन्य स्कीम्स हैं उनके लिए सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू हाउसेज कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड अंडर द क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये भी अलग अलग प्रकार के जो वीकर सेक्शन के लिए जो स्कीमें हैं उनके लिए यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो तो उसके लिए भी था। पॉल्यूशन कंट्रोल और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एक्सेप्ट लोकेटेड एज पार्ट ऑफ अ फैक्ट्री और अ स्ट्रक्चर मीन्ट फॉर फ्यूनरल बरियल और क्रीमेशन ऑफ डिसीज और अ बिल्डिंग ओन्ड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होती है विच इज used for carrying out the activities of providing centralized cooking or distribution for midday meals under the midday scheme sponsored by the central government, state government, union territory or local authority. तो ये सारे जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का कार्य किया जाता था उस पर भी कंसेशनल रेट था तो इस क्लॉज 4 को भी ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट ये जो क्लॉज 5 है इसमें भी कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी 12% का प्रिस्क्राइब किया था यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रेलवे मोनोरेल और मेट्रो के लिए दी गई हो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए दी गई हो या अलग अलग प्रकार के जो लो कॉस्ट हाउसेस हैं अप टू 60 स्क्वायर मीटर के वो अलग अलग स्कीमों के अंदर भी इस प्रकार के हाउसेस यदि बनाए जाए तो हर प्रकार की स्कीम का इसमें उल्लेख किया गया था। उसके अलावा यदि पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज यदि कोल्ड स्टोरेज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी गई हो मिकेनाइज्ड फूड ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम मशीनरी और इक्विपमेंट फॉर यूनिट्स प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज फूड स्टफ एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस
तो इन सभी के लिए भी दी हो तो पहले कंसेशनल रेट 12% था, लेकिन अब यह एंट्री भी ओमिट कर दी गई है। क्लोज 5A जिसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यदि अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए दी गई हो उस पर भी कंसेशनल रेट था, उस एंट्री को भी ओमिट कर दिया गया है। क्लॉज 6 जिसके अंतर्गत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड की गई हो, ये जो बताए हैं उन कार्यों के लिए, सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स मीन्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर यूज अदर देन फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। जो ओरिजिनल वर्क्स है लेकिन वह कॉमर्स इंडस्ट्री और अदर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर मीन्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर यूज एज एजुकेशनल, क्लिनिकल, आर्ट और कल्चरल एस्टैब्लिशमेंट, उनके लिए यदि ओरिजिनल स्ट्रक्चर कोई बनाया गया हो। अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के यूज के लिए बनाया गया हो, तो इस प्रकार के जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी कंसेशनल रेट 12% लगता था, इस एंट्री को भी अब ओमिट कर दिया गया है। यदि जो क्लॉज 3 या 6 में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को दी जाती है, उनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए भी कंसेशनल रेट 12% लागू होता था, इस एंट्री को भी अब ओमिट कर दिया गया है। यह रेसिडुअल क्लॉज है जो मेन एंट्री 3 में अलग अलग क्लॉजेस में जहां पर कंसेशनल रेट बताया गया है वहां पर जो सर्विसेज नहीं आती उन पर 18% GST लगता है। तो पहले ये जो क्लॉजेस हैं जो अभी ओमिट हो गए वे भी यहां पर एक्सक्लूजन क्लॉज में थे क्योंकि वहां पर कंसेशनल रेट 12% GST लगता था। अब यहां पर वो भी क्लॉजेस भी क्लॉज 3, 4, 5, 5A, 6 और 9 ये क्लॉजेस भी यहां से हटा दिए गए हैं। तो ये जितनी भी सर्विसेज मैंने अभी डिस्क्राइब की उन पर अब 18 जुलाई 2022 से 18% GST लगेगा। पहले ऐसा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जिसमें मुख्यतः अर्थ वर्क इन्वॉल्व हो, अर्थात जिसमें 75% वैल्यू जो अर्थ वर्क से रिलेटेड हो और वह वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को दी गई हो, तो उस पर 2.5 + 2.5 अर्थात 5% GST लगता था, उसे अब बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं वे ऐसे मेन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दे रहे हैं जो सीरियल नंबर 3 के आइटम 7 में बताया गया है, अर्थात प्रीडोमिनेंटली अर्थवर्क है, तो वहां पर भी पहले कंसेशनल रेट 5% था, उसे भी सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी अब वो बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड कई सर्विसेज पर भी GST के रेट में चेंज कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के केस में नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 के सीरियल नंबर 8 में यह आइटम 6A इंसर्ट की गई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट एकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय रोपवे। यदि रोपवे से पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उस पर 5% GST लगेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया होना चाहिए। और इसी के अनुसार यह जो रेसिडुअल एंट्री थी यह भी अमेंड कर दी गई है, इसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अदर देन ये जो आइटम है उसमें यह 6A भी इंसर्ट कर दिया गया है। और इनके अलावा जो ऊपर बताई गई जितनी भी हैं, जितने भी आइटम्स के अंदर बताई हुई रेट्स हैं, उनके अलावा का जो भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है उस पर 18% GST लगेगा। इसी प्रकार से रोपवे के द्वारा यदि गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया जाए तब भी उस पर 5% कंसेशनल रेट से GST लगेगा, लेकिन कंडीशन यही है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लेना है। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 8 का यह जो आइटम 3 है GTA से रिलेटेड, इस आइटम को ओमिट कर दिया गया है, इसके बदले में नया आइटम 3 इंसर्ट किया गया है। तो नया जो आइटम 3 है उसके अंदर दो ऑप्शन दिए हैं GTA को, सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग यूज्ड हाउसहोल्ड गुड्स फॉर पर्सनल यूज सप्लाइड बाय GTA वेयर
जहाँ पर यह हाउस होल्ड गुड्स पर्सनल यूज के लिए या अन्य कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का कार्य किया जाता है, लेकिन GTA does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it. GTA स्वयं GST नहीं पे करेगा, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर जो रिसिपियंट ऑफ सर्विसेज है वह GST पे करेगा. तो उस केस में GST का रेट 5% रहेगा और जो GTA है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वह इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगी. यह इसकी कंडीशन है. लेकिन यह जो क्लॉज बी है जिसके अंतर्गत GTA ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि वह स्वयं GST पे करेगा, तो उस केस में 5% भी GST हो सकता है और 12% भी GST हो सकता है. कि कंडीशन यह है कि GTA उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है या नहीं लेता है. पहले आपको ज्ञात होगा कि जो पहले पुराना जो आइटम 3 था उसमें 12% GST ही भरना था, ये 5% का ऑप्शन नहीं था. तो यह ऑप्शन भी अब GTA को दिया गया है. और लेकिन यह जो ऑप्शन है वह एक्सरसाइज करने की डेट्स भी यहाँ पर दी हुई है और उसका प्रोफॉर्मा भी दिया गया है. तो अभी इस वर्ष में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें यदि यह ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो उन्हें यह 16 अगस्त 2022 से पहले कर लेना है, अन्यथा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से तो 15 मार्च के पहले ही इस प्रकार का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना है. तो अभी जो भी GTA है वे यदि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये 16 अगस्त से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले. ये नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 के आइटम 10 के अंदर यह क्लॉज 1A यह इंसर्ट किया गया है, रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूअल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपियंट. यदि फ्यूअल का कॉस्ट भी रेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है तो इस प्रकार से यदि गुड्स कैरेज रेंट पे दिया गया हो तो उस पर कंसेशनल रेट 12% GST लगेगा, अन्यथा जो 18% लगता था तो उस पर जो रेसिडुअल एंट्री है उसमें से इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है. नोटिफिकेशन 11/2017 के मेन आइटम 11 में यह जो क्लॉज 1 है इसको अब ओमिट कर दिया गया है और ये जो क्लॉज 2 था सपोर्टिंग सर्विस इन ट्रांसपोर्ट अदर देन वन अबव, उसके बदले में सिंपल यह लिखा है सपोर्टिंग सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट. दिस एंट्री डज नॉट इंक्लूड गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन्वॉल्विंग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस विच फॉल्स अंडर हेडिंग 9965. तो उसके अलावा की जो सपोर्टिंग सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर कवर होगी और उस पर 18% GST लगेगा. नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में GST में से एग्जम्पशन कई सर्विसेज को दिए गए हैं, जिसमें एंट्री नंबर 20 पर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, ये जो अलग अलग वस्तुएं बताई गई है उनका ट्रांसपोर्टेशन यदि रेल या वेसल के द्वारा किया जाए तो GST में से एग्जम्पशन था. उसमें रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल, जो रेलवे के इक्विपमेंट या रेलवे का मटेरियल हो उसे भी एग्जम्पशन था, उसको अब यहाँ से एंट्री को ओमिट कर दिया गया है. तो अब रेलवे या वेसल के द्वारा किन्हीं रेलवे इक्विपमेंट्स या मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा तो उस पर भी GST लागू होगा. नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा कुछ सर्विसेज को GST में से एग्जम्प्ट किया गया था, उसमें से यह जो क्लॉज बी के अंदर जहां पर गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500 रुपीज, पूरे कैरेज का किराया यदि 1500 रुपये से ज़्यादा न हो तो उस केस में GST नहीं लगता था. और यदि कंसाइनमेंट, अलग अलग कंसाइनमेंट एक ही कैरेज में जा रहे हों लेकिन पर कंसाइनमेंट उसका किराया पर कंसाइनी, सिंगल कंसाइनी का जो किराया है वह 750 रुपये से ज़्यादा न हो तब भी GST नहीं लगता था. तो इन दोनों एंट्रीज को अब यहाँ से ओमिट कर दिया गया है. तो अब ये कंसाइनमेंट का किराए वाइज अब कोई भी एंट्री उस प्रकार से नहीं रहेगी और GST हर प्रकार के किराए पर देना होगा.
अन्य सर्विसेज के जीएसटी रेट में क्या चेंजेस हुए हैं वह भी देख लेते हैं। होटल एकोमोडेशन के केसेस में पहले 1,000 रुपये से ज़्यादा लेकिन 7,500 रुपये तक का पर डे पर रूम का किराया हो तो 12% जीएसटी लगता था। अब यहाँ पर यह जो वर्डिंग्स है अबव 1,000 रुपीज़ बट ये वर्डिंग्स को हटा दिया गया है, तो अब इसका अर्थ यह हुआ कि 7,500 रुपये पर डे तक के जो भी रूम हैं उन पर 12% जीएसटी लगेगा, चाहे रूम का रेंट पर डे 1,000 रुपये से कम भी है तब भी अब जीएसटी लगेगा। इस प्रकार से यह एंट्री अमेंड कर दी गई है। यह नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की एंट्री नंबर 14 में सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब और कैंप साइट बाय वॉट एवर नेम कोल्ड फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पज हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ एकोमोडेशन बिलो और इक्वल टू 1,000 रुपीज़ पर डे और इक्विवेलेंट। यदि 1,000 रुपया पर रूम का पर डे का किराया हो तब तक उसे जीएसटी में से एग्जम्प्ट किया गया था, इस प्रकार की यह एंट्री थी। लेकिन क्योंकि अब 7,500 रुपये तक के हर रूम पर 12% जीएसटी लगेगा तो अब यह एंट्री भी यहां से ओमिट कर दी है, तो दोनों एंट्रीज को साथ में पढ़ने पर यही इसका अर्थ है कि अब जितने भी रूम हैं होटल के चाहे 1,000 रुपये से कम का भी उनका किराया हो तब भी 12% जीएसटी लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ फॉरमैन ऑफ अ चिट फंड इन रिलेशन टू चिट, यह फॉरमैन के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी उस पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन इस एंट्री को भी अब ओमिट कर दिया गया है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दिए थे उसकी भी अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस पर अब 18% जीएसटी लगेगा। नोटिफिकेशन 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट का सीरियल नंबर 26 में सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू, ये जो अलग अलग चीज़ों के जॉब वर्क पर कंसेशनल रेट 5% प्रिस्क्राइब किया गया था उसमें से यह जो एंट्रीज है प्रोसेसिंग ऑफ हाइड स्किन्स एंड लेदर फॉलिंग अंडर चैप्टर 41 इसको यहाँ से ओमिट कर दिया गया है। मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर गुड्स और फुटवेयर फॉलिंग अंडर चैप्टर 42 और 64 उसको यहाँ से ओमिट कर दिया गया है, और मैन्युफैक्चर ऑफ क्ले ब्रिक्स फॉलिंग अंडर टेरिफ आइटम 69/01/0010 इन द फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टेरिफ एक्ट। तो ये तीन एंट्रीज को यहां से जो कंसेशनल रेट की एंट्री थी 2.5 वहां से ओमिट कर दिया गया है, तो इन आइटम्स पर भी अब यह रेसिडुअल एंट्री के तहत 9+9 18% जीएसटी लगेगा। नोटिफिकेशन 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में एक यह नया एंट्री नंबर 31A इंसर्ट किया गया है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम हैविंग रूम चार्जेस एक्सेडिंग 5,000 पर डे टू ए पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस। यदि किसी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा जो व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस ले रहा है उसे 5,000 रुपये प्रतिदिन से ज़्यादा का रूम दिया जाता है तो उस केस में 5% जीएसटी लगेगा, और इस प्रकार के क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लेना है। लेकिन यह जो 5,000 पर डे रूम का चार्ज है जिस पर जीएसटी लगाया है उसमें से इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे हम आईसीयू कहते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट इनको मुक्त रखा गया है, अर्थात आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू और एनआईसीयू इनमें यदि 5,000 रुपये प्रतिदिन से ज़्यादा का भी किराया लगता है तब भी जीएसटी नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है जिसमें सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट या ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स उनके द्वारा जो भी सर्विस दी गई हो उसे जीएसटी में से एग्जम्प्ट किया गया है, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया है कि यदि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट 5,000 रुपये से ज़्यादा का रूम रेंट चार्ज करते हैं तो वह इस एग्जम्पशन की एंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए नई एंट्री नोटिफिकेशन 11/2017 के अंदर इंसर्ट कर दी गई है और उस पर 5% जीएसटी लगेगा। जैसे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा
जो सर्विस दी जाती है उस पर कंसेशनल रेट था पहले से, उसी प्रकार से अब यह एक नई एंट्री ऐड कर दी गई है, सर्विस इज बाई वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और द प्रोसेस इंसिडेंटल देयर टू बाय अ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू ए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। यदि किसी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के द्वारा सर्विसेज दी जाती है तो उस पर भी कंसेशनल रेट 6+6 12% GST लगेगा। और अन्य जो सीवेज एंड वेस्ट कलेक्शन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एंड अदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सर्विस है उनमें से भी अब ये क्लॉज 1 और 1A एक्सक्लूड कर दिया गया है, अन्य सभी सर्विस पर 18% GST रहेगा। तो यह एक नई सर्विस बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, उसकी सर्विस को 12% GST कंसेशनल रेट पर लगेगा। यहाँ पर यह नोट करना भी इम्पोर्टेंट है कि यह जो सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू ए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और द प्रोसेस इज इंसिडेंटल देयर टू, यह एंट्री पहले नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 75 पर थी और उस पर कोई भी GST नहीं लगता था। तो पहले यह GST में से एग्जम्प्ट थी, अब उस पर 12% GST लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में पहले यह जो एंट्री थी 12, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, यदि कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग घरेलू मकान जो है वह रहने के लिए उपयोग किया जाता है तो उस पर GST नहीं लगता था। उसमें अब यह वर्डिंग्स ऐड कर दी, एक्सेप्ट वेयर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, यदि किसी GST में रजिस्टर्ड व्यक्ति को यह रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर दी जाती है तो उस केस में भी GST अब लगेगा। तो यह जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को किराए पर देने पर जो GST में से एग्जम्पशन था उसका स्कोप अब लिमिटेड कर दिया गया है। यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो अभी भी GST नहीं लगेगा, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर देते हैं तो उस पर GST लगेगा। पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और एट बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, यानी इनमें से किसी भी राज्य में या पश्चिम बंगाल के बागडोगरा पर यदि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर होता था तो वह GST में से एग्जम्पशन था। अब जो एयर ट्रैवल है पैसेंजर का वो यदि इकोनॉमिक क्लास में है तभी उसको GST में से मुक्ति मिलेगी, यदि इकोनॉमिक क्लास के अलावा के जो हायर क्लासेस हैं उनमें एयर ट्रैवल किया जाए तो उस पर GST लगेगा। नोटिफिकेशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में स्टोरेज और वेयरहाउसिंग की सर्विसेज पर कुछ वस्तुओं पर GST में से एग्जम्पशन था, उसमें से अब ये जो वस्तुएं हैं नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, सुगर केन, जैगरी, रो वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबेको, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफ़ी और चाय, इनको इस एंट्री में से हटा दिया है। अर्थात अब इन वस्तुओं को यदि स्टोरेज और वेयरहाउसिंग किया जाए तो उसका जो चार्जेस लगेगा उस पर GST देना होगा, उसका GST एग्जम्पशन ख़त्म कर दिया गया है। यदि किसी फॉरेन टूरिस्ट को टूर ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइड की गई हो जो पार्टली इंडिया में और पार्टली इंडिया के बाहर दी गई हो तो उस केस में GST प्रपोर्शनेटली एग्जम्प्ट हो जाएगा और प्रपोर्शनेटली जितनी सर्विस इंडिया के अंदर दी है उतनी सर्विसेज पर GST देना होगा। इससे रिलेटेड यह एक नई एंट्री 52A नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर इंसर्ट की है। इसके अंदर ये सब एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं किस प्रकार से गणना करनी है। तो ये एक नई एंट्री है फॉरेन टूरिस्ट को यदि पार्टली सर्विस इंडिया में और पार्टली विदेश में दी हो तो। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के एंट्री नंबर 53A के द्वारा सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयरहाउस में फ्यूमिगेशन करने की जो सर्विस थी वह GST में से एग्जम्प्ट थी, उस एंट्री को ओमिट कर दिया गया है। तो अब इस सर्विस पर भी फ्यूमिगेशन की सर्विस यदि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयरहाउस में दी जाती है तो उस पर भी GST लगेगा।
एंट्री 54 में कुछ एग्रीकल्चरल से रिलेटेड सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया गया था, उसके अंदर यह जो एक क्लॉज है उसको अब ओमिट कर दिया गया है, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यह भी उसी से रिलेटेड था, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयरहाउस में फ्यूमिगेशन करने पर जीएसटी अब लागू हो जाएगा। उसके अलावा यह जो एक एंट्री थी एंट्री 56, उसमें सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं के स्लॉटरिंग करने पे, पशुओं के कत्ल खाने पर जीएसटी में से एग्जम्पशन था, वह एंट्री भी अब ओमिट कर दी गई है। कॉर्ड ब्लड बैंक के द्वारा नवजात शिशु के कॉर्ड को प्रिजर्व करके उसके स्टेम सेल को प्रिजर्व करने की सर्विस दी जाती है, वह सर्विस भी अब तक नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के सीरियल नंबर 73 से एग्जम्प्ट थी, इस एंट्री को भी अब ओमिट कर दिया गया है। तो यह कॉर्ड ब्लड बैंक के द्वारा भी यह जो सर्विस दी जाती है स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने की, उस पर भी अब जीएसटी लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के एंट्री नंबर 80 से यदि ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर दी जाए तो वह एग्जम थी जीएसटी में से, उसमें अब थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया गया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, यह वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है, बाय एन इंडिविजुअल। अब यदि आर्ट्स और कल्चर की कोई भी ट्रेनिंग या कोचिंग इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल के द्वारा दी जाती है तो वह जीएसटी में से एग्जम्प्ट रहेगी, किसी भी संस्था द्वारा दी जाती है तो वह अब तक एग्जम्प्ट थी लेकिन अब उस पर जीएसटी लगेगा। तो इस प्रकार से यह केवल इंडिविजुअल किसी व्यक्ति द्वारा यदि ट्रेनिंग दी जाती है आर्ट्स या कल्चर की तो उसको जीएसटी में से एग्जम्प्शन अभी भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा इस प्रकार की ट्रेनिंग या कोचिंग दी जाए तो वह जीएसटी के दायरे में आ गई है। एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 जब भी ऑर्गेनाइज हो तो उसके राइट टू एडमिशन की सर्विस पर जीएसटी में से एग्जम्पशन दिया गया था, अर्थात यदि वह वुमेन्स एशिया कप 2022 की इवेंट्स में एंट्री की टिकट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पर यह वर्डिंग्स ऐड कर दिए गए व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड, अर्थात यह एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 जब भी रीशेड्यूल्ड होगा तब भी इसकी एंट्री टिकट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर के जीएसटी रेट में भी चेंजेस किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में जिन सर्विसेज को जीएसटी में से एग्जम्प्ट किया गया है उनका विवरण दिया गया है, उसमें कई एंट्रीज पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं उन्हें एग्जम्प्ट किया है, वहाँ पर उस प्रकार के एग्जम्पशन में से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती थी कुछ सर्विसेज उनको एक्सक्लूड किया गया था। तो जिनमें स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और गवर्नमेंट के अलावा किसी व्यक्ति को एजेंसी सर्विस दी गई हो उसे एक्सक्लूड किया गया था। इसका सिंपल अर्थ यह होता था कि स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विस गवर्नमेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को दी गई, ये चार ही सर्विस पर जीएसटी लगता था। अब यह जो नील वाली जो रेट है, एग्जम्पशन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को, उसमें से पूरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ही यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो भी सर्विसेज दी जा रही है उनको यदि अन्यथा एग्जम्प्ट न किया हो तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो इसी प्रकार की जहाँ जहाँ पर भी ये एंट्री थी वहाँ हर जगह पर चेंजेस कर दिया गया। तो अब हमको यह देखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो भी सर्विस दी जाती है उनमें से किसी भी सर्विस को क्या एग्जम्पशन दिया गया है। यह नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में नई एक एंट्री इंसर्ट कर दी गई है 24C, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट, एनवेलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, यानी केवल पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर और जो ऑर्डिनरी पोस्ट होती है 10 ग्राम तक की या बुक पोस्ट, उसको जीएसटी में से मुक्ति दी गई है। अन्य जितनी भी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा दी जाती है वह जीएसटी के दायरे में आ गई है।
कई गवर्नमेंट एजेंसीज और रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के विभिन्न एंट्रियों से एग्जम्प्ट किया गया था, उन एंट्रीज को भी अब ओमिट कर दिया गया है, अर्थात उन रेगुलेटरी एजेंसीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अब जीएसटी देना होगा। उनमें नोटिफिकेशन 12/2017 की एंट्री नंबर 26 में सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी में से एग्जम्प्ट थी, वो एंट्री अब ओमिट कर दी गई है, अब जीएसटी उन पर लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इंश्योरर, इंश्योरर्स को जो सर्विस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दी जाती थी वे भी अब जीएसटी के दायरे में आ गई है, उन पर जीएसटी देना होगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो सर्विसेज दी जाती थी वे भी एंट्री 33 से एग्जम्प्ट थी, उस एंट्री को भी ओमिट कर दिया गया है। तो अब सेबी के द्वारा भी जो सर्विसेज दी जा रही है वो जीएसटी उस पर दे ही होगा। इसी प्रकार से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और एनालिसिंग या फूड सैंपल्स की टेस्टिंग करने की जो सर्विस फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को दी जाती है वह भी अब एग्जम्प्ट नहीं रहेगी, उस पर भी जीएसटी देना होगा। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो कॉमन पोर्टल ऑपरेट करते हैं, उनके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को जो सर्विसेज दी जाती है वह भी अब जीएसटी में से एग्जम्प्ट नहीं रहेगी, उस पर भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को भी जीएसटी देना होगा। आज के अंक में बस इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।